सुप्रभात मित्रों, कक्षा 8वीं के दूसरी इकाई के तीसरे पाठ मान न मान मैं तेरा मेहमान। इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कि संजीव निगम जी ने मेहमान नवाजी के ऊपर जो व्यंग कहा है उसके बारे में उन्होंने हमसे और क्या क्या बातें साझा करने का प्रयास किया है। तो देखते हैं कि संजीव निगम जी हमसे और क्या कहना चाहते हैं। क्योंकि हीरे की कदर सिर्फ जौहरी ही जानता है, इसलिए हमारी संस्कृति के इस कोहिनूर हीरे को हमारी पारखी नज़र ने बहुत साल पहले ही ताड़ लिया था और तभी से हमने ये भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी कि साल के 365 दिनों में से ज़्यादा दिन अपने रिश्तेदारों, दोस्तों व जानकारों के मेहमान बनकर उन्हें कृतार्थ करते रहेंगे। तो साथियों, यहाँ पर ये व्यंग करते हैं कि जिस प्रकार भीष्म जी ने प्रतिज्ञा ली थी और उस प्रतिज्ञा पे अटल रहे, वैसे ही इनका कहना है कि इन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि ये साल के 365 दिन किसी न किसी के घर मेहमान बनकर जाते रहेंगे। हम में एक बात अच्छी है कि हमारे माता पिता दोनों की तरफ का कुनबा काफ़ी लंबा चौड़ा है। शादी के बाद उसमें पत्नी के कुनबे का भी समावेश हो गया। इसके अलावा चलते फिरते जानकार भी हैं। आपकी दुआ से बंदे ने उन्हें भी अपनी मेहमानदारी का से नवाज रखा है। अपना तो उसूल इतना सीधा है कि कभी कोई सड़क चलता हुआ हमारी ओर देख भर लेता है तो तुरंत उससे पूछ बैठते हैं, और भाई घर कब बुला रहे हो। इसी बेतकल्लुफी के चलते कई बार हम बिना जान पहचान के लोगों की डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ा चुके हैं। हमारे उनके घर से खा पीकर आने का वादा करके निकलने के बाद अक्सर वो मियाँ बीवी इसी बात को लेकर आपस में लड़ मरते हैं कि आखिर हम दोनों में से किसके रिश्तेदार थे। तो साथियों, देखा इस व्यंग में ये हमें ये बता रहे हैं संजीव निगम जी कि वे इतने अधिक मेहमानदारी के शौकीन हैं कि जिन्हें वो नहीं भी जानते हैं, कोई साधारण सी जान पहचान भी है तो उनसे वो पूछ बैठते हैं कि अपने घर कब बुला रहे हो। और इस व्यवहार के चलते, बर्ताव के चलते बहुत सारे घरों में वो मेहमान बनकर जा चुके। फिर भले ही उस घर के पति पत्नी के बीच झगड़ा हो जाए कि ये किसके रिश्तेदार थे, अर्थात कुछ खास जान पहचान न होने के बावजूद वो मेहमान बनकर वहाँ चले जाते हैं। और इसके अलावा उनका ये कहना है कि उनके माता पिता का कुनबा यानी कि परिवार जो है वो पहले से ही काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसका अर्थ ये है कि बहुत सारे लोगों से रिश्तेदारी है तो इन्हें मेहमान बनकर जाने के लिए काफ़ी सारे लोगों का की लिस्ट इनके सामने मौजूद है। और विवाह के पश्चात पत्नी के परिवार वालों का भी वहाँ पर लिस्ट में नाम जुड़ गया और ये सभी जगहों पर मेहमान बनकर जाने का प्रयास करते हैं और मेहमानदारी से उन लोगों को नवाजते हैं। वैसे सच पूछा जाए तो मेहमान बनना एक ऐसी कला है जिसका विकास अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है। अब यहीं देखिए, जब कभी ही नाम लेना पड़ता है आज के इस कठिन आर्थिक युग में, यह काम भी कठिन होता जा रहा है। कितने दांव पेच लड़ाने पड़ते हैं मेहमान बनने के लिए। साथियों, ये तो हमने कल ही इसके पहले के वीडियो में ही डिस्कस किया था कि मेहमान बनना भी एक कला है। और रचनाकार के अनुसार ये कला अभी तक सही ढंग से विकसित हो नहीं पाई है। जैसे कभी किसी ऐसे दोस्त के घर जाना पड़ जाए जहां खाना मिलने की उम्मीद ना हो तो सीधे घर की मालकिन पर ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। यानी कि स्थिति कुछ यूं होती है कि हम दोस्त के घर पहुंचे, उसने तुरंत मातमी सूरत बनाकर पूछा, फिर कैसे आना हुआ। जवाब में हमने तुरंत दूसरे कमरे में बैठी मन ही मन कोसती हुई उनकी श्रीमती जी को लक्ष्य करके कहा, बस क्या बताएं यार, उस दिन भाभी जी के हाथ का लाजवाब खाना क्या खाया कि अब किसी और के खाने में स्वाद ही नहीं आता है। ससुरे फाइव स्टार होटल के शेफ भी भाभी जी के हाथ के जादू के आगे पानी भरते हैं। बस हो गया किला फतह। अब हमारा प्यारा दोस्त भले ही हमें घर से धक्के देकर निकालना चाहे पर प्यारी भाभी जी अपने इस कद्रदान देवर को भूखा थोड़े ही जाने देगी। तो साथियों, देखा ये बता रहे हैं कि कोई ऐसा घर हो, मेजबान हो जो आपको खाना ना खिलाना चाहे तो भी इस तरीके के पैतरे आजमा कर वहाँ पर आप खाना खा सकते हैं।
खाना बनाने वाले की तारीफ़ कर दो और फिर स्वाभाविक तौर पे आपको वहाँ पर खाना मिलना ही है। शादी होने के बाद से हमने बच्चों के विद्यालय की छुट्टियों के दिनों वाली थोड़े स्थायी प्रकार की मेहमानदारी विधा के विकास की और भी काफ़ी ध्यान दिया है। ऐसी मेहमानदारी की फसल उगाने के लिए ससुराल की धरती काफ़ी उपजाऊ रहती है। ससुराल पर जब धावा बोलते समय बच्चों का बड़ा सहारा रहता है, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ही ज़्यादा बार हमला करने की सुविधा होगी। साथियों, कल ही इसके पूर्व के वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह अपने बच्चे की इच्छा को जाहिर करते हुए हम जो है या जो मेहमान बनना चाहे वो उसके बच्चों की इच्छा का आड़ लेकर बता सकते हैं कि हम इसकी इच्छा पूरी करने के लिए इस घर में मेहमान बनकर आए हुए हैं। तो उसी श्रृंखला में ये आगे बता रहे हैं कि यदि आपको स्थायी मेहमान बनना है, अर्थात 2-4 दिन या उससे और अधिक समय कहीं बिताना है, तो उसके लिए ससुराल जो है वो अच्छी जगह होती है और उस जगह पर बच्चों का नाम लेकर आसानी से मेहमान बना जा सकता है। एक साल टुनू को अपने नाना की याद आएगी तो दूसरे साल टिन्नी को, तीसरे साल मुन्नी को और ये क्रम इसी प्रकार चलता रहेगा। पिछली बार तो ऊपरी बच्चों का नंबर ख़त्म होने पर मुझे अपने 6 महीने के बच्चे का सहारा लेकर करना पड़ा। इस बार मेरी बुआ जी बुला रही थी, पर क्या बताऊँ, इस छुटके को अपने नाना नानी की इतनी याद आ रही थी कि मजबूरन यहाँ आना पड़ गया। एक शातिर को बेटी देकर फंस गए ससुराल वालों के सामने, इस कुतर्क को भी मानने के सिवाय चारा ही क्या है। साथियों, इस व्यंग के दौर में वो बता रहे हैं हमें कि किस प्रकार वो बच्चों का नाम लेते हैं और अपने सास ससुर के घर पे धावा बोलते हैं और मेहमानदारी करते हैं। तो इस श्रृंखला में वो कहते हैं कि छोटे से 6 महीने के बच्चे का भी जिक्र उन्होंने कर लिया और वो ये कह रहे हैं कि चाहे वो कितना भी कुतर्क करे, अब रिश्तेदारी तो हो चुकी तो ससुराल वाले उनका स्वागत सत्कार करेंगे ही। ससुराल संबंधी दूसरे रिश्तेदारियों में हमारा कुशल निर्देशन में श्रीमती जी भी जबरदस्त भूमिका निभाती हैं। अपने शिकार के घर पहुंचते ही अपनी चाची, मौसी या मामी से लिपट जाएंगी और बड़े भाविक स्वर में कहेंगी, जब से मुझे शादी हुई है आपसे सही ढंग से मिलने को तरस गई हूँ, इसलिए इस बार इनसे लड़ झगड़ कर इन सबको इधर ले आई हूँ ताकि जी भर कर आपके साथ रह सकूँ। साथियों, सिर्फ श्रीमान जी ही नहीं, श्रीमती जी भी इस कला में पारंगत हैं और वो अपने रिश्तेदारों से जाते ही लिपट कर कहती है कि शादी के पश्चात आपके साथ रहना नहीं हुआ, इसलिए आपके यहाँ मेहमान बनकर आए हैं। और वे बेचारियाँ जब तक अपनी इस भतीजी या भांजी के प्रेम प्रदर्शन के अप्रत्याशित हमले से बाहर आती हैं, तब तक हम अपने सूटकेसों को उनके घर में जमा कर अपनी दीर्घकालिक उपस्थिति के स्पष्ट संकेत उन्हें दे देते हैं। दीर्घकालिक यानी अधिक समय तक रुकने वाला, अर्थात वो ये बता रहे हैं कि जब तक उनकी श्रीमती जी अपने रिश्तेदारों से बातचीत करती हैं, ये लोग अपने सूटकेस वहाँ जमा लेते हैं और लोगों को ये अंदेशा हो जाता है कि ये मेहमान यहाँ काफ़ी दिनों तक ठहरने वाले हैं। अपनी मेहमानदारी विशेषज्ञता से हम अपने नाते रिश्तेदारों को इतना लाभान्वित किया है कि उनमें से कई के बच्चे बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस में गेस्ट रिलेशन ऑफिसर बन गए और कुछ लोगों ने बिना कोई कैटरिंग डिप्लोमा पास किए अपने खुद के रेस्टोरेंट खोल दिए हैं। साथियों, देखिए इसका बेनिफिट, यदि आपके घर बार बार कोई मेहमान आता और आप मेहमान नवाजी में पारंगत हो जाते हैं तो उस आधार पर आप अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं, ऐसा व्यंगकार जी का कहना है। अपना तो छोटा सा देशभक्तिपूर्ण प्रयास यह है कि एक दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में यह छपे कि दुनिया में सबसे अधिक मेहमान बनने का रिकॉर्ड भारत के इस लाडले सपूत ने स्थापित किया है। साथियों, व्यंगकार जी इतना अधिक यहाँ पर हमारा मनोरंजन कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वो मेहमान नवाजी में रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, मेहमानदारी में। अगर मेरे संबंधी दोस्त और जानकार थोड़ा सा धैर्य रखें तो यह काम कोई मुश्किल भी नहीं है। उनका हौसला बढ़ाने के लिए मैं अक्सर उन्हें यह शेर सुनाता रहता हूँ। तो वो शेर के माध्यम से अपने दोस्तों से क्या कहते हैं, शुक्र कर उस खुदा का और मुझ मेहमान का, तेरा खाना खा रहा हूँ तेरे दफ्तर खान पर। वो ये कहते हैं कि आपके घर यदि मैं मेहमान बनकर आया हूँ तो इसके लिए आप अपने भगवान का धन्यवाद दीजिए कि मैं वहाँ पर मेहमान बनकर आया हूँ। तो साथियों, ये थी व्यंगकार संजीव निगम जी की रचना, जिसमें व्यंग के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि सामान्यतया
मेहमानों का बर्ताव कैसा होता है। और ये हम सभी अपने मेहमानों से परिचित होते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, परंतु उनका अंदेशा क्या है, उनका अनुमान क्या है, उनकी इच्छा क्या है, ये बातें हम समझते हैं। कई बार हम इच्छा से, कभी अनिच्छा से मेहमानों का स्वागत सत्कार करते हैं। परंतु साथियों, मेरा आपसे ये सजेशन है कि अतिथि देवो भव, ये हमारी भारत की संस्कृति है कि मेहमान भगवान के समान होता है। उसका अंदेशा चाहे कितना भी बुरा हो, हमारा बर्ताव उनके प्रति अच्छा ही रहना चाहिए। तो आई होप आप भी अतिथि सत्कार में कोई कमी नहीं रखेंगे और साथ ही एक अच्छे मेहमान बनकर दूसरों के घर मेहमानदारी भी करेंगे। सो हैव अ नाइस डे।